अगली खबर आ रही है सागर से, जहां सिद्धगुवा इंडस्ट्रियल एरिया में उस समय हड़कंप मच गया जब दो युवकों ने साबुन फैक्ट्री के गेट पर पहुंचकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। उन्होंने हंगामा करते हुए हवाई फायर किया, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटनाक्रम की सूचना मिलते ही बहेरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही हंगामा करने वाले दोनों युवक मौके से भाग गए। मामले में पुलिस ने शिकायत पर दो युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार बहेरिया थाना क्षेत्र के सिद्धगुवा इंडस्ट्रियल एरिया में साबुन फैक्ट्री है, जहां कुछ दिन पहले सिक्योरिटी गार्ड का नया टेंडर हुआ है, जिसने पुराने सिक्योरिटी गार्डों को निकाल दिया गया। इसी बात से खफा होकर नौकरी से निकाले गए पुराने सिक्योरिटी गार्ड मुकेश अहिरवार और रिकेश सिंह राजपूत RSPL यूनिट 2 के मेन गेट पहुंच गए, जहां उन्होंने गाली गलौज कर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा होते देख मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन हंगामा कर रहे युवकों के पास बंदूक थी, इसलिए कोई भी उन्हें रोकने के लिए आगे नहीं आया। हंगामे के दौरान युवकों ने फैक्ट्री के गेट पर स्थित सिक्योरिटी गार्ड रूम में तोड़फोड़ की, साथ ही जाते जाते हवाई फायर भी किया। फायर होने से क्षेत्र में दहशत फैली। सूचना मिलते ही बहेरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी शुरू की। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है। मामले में साबुन फैक्ट्री के सिक्योरिटी सुपरवाइजर धर्मेंद्र शर्मा ने बहेरिया थाने में शिकायती आवेदन दिया है। बहेरिया थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि साबुन फैक्ट्री पर तोड़फोड़ और हवाई फायर की शिकायत मिली है। शिकायत के आधार पर मुकेश अहिरवार और रिकेश राजपूत के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। काम मांगने के लिए गए, उसमें कहा सुनी हो गई और इसके बाद जो है इन दोनों ने वहाँ तोड़फोड़ करी गेट पर, और उसके अलावा एक ने उसमें से हवाई फायर किया है।